कैसे हैं आप? आर माजा माइक है ना ये गड़ा। अच्छा, हिंदी समझते हैं आप ना? हिंदी समझते हैं ना? कौन से गांव के हैं आप जो ये ताज को लेने जा रहे हैं, क्या है ये? बुद्रुक भी बड़ापुर का है मैं। अच्छा हाँ, लेकिन क्या है, वो जमीन हमारा है, जमीन ताजमहल, ताजमहल का जमीन जो है हमारा है। पर लोग कहते हैं वो शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ने बनाया उन्होंने, वो सब करेक्ट है, लेकिन जमीन जिस पे बना है ना, वो जमीन हमारा है, वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है उसके ऊपर, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन? हाँ, कंस्ट्रक्शन उन्होंने मारा है, लेकिन क्या है, जमीन हमको बिना बताए मेरे परदाता से सल्टा लिया ना उन्होंने। ओके। हाँ, तो ऐसा वो जमीन हमको वापस मांग दे। क्या अभी मैं शेतकरी आदमी है, किसान आदमी है, मेरे को खाली खेती करना आता है, तो मेरे को उधर खेती करने का है, मेरे पास जमीन नहीं है। अच्छा। तो मेरे को जैसा ये 23 सितंबर को अभी हमारा निकाल लगने वाला है, जैसे अपने हक में आ जाएगा, मैं ताजमहल को हटा देगा और मैं वहां पे अपना खेती बाड़ी करेगा। अरे बाप रे, तो इन लोगों ने कौन कौन ताज नहीं देखा? नहीं देखो, देख लो बाबा जल्दी जाके अभी, हाँ नहीं तो 23 सितंबर को उधर से, हाँ थैंक यू होने वाला है सब। हाँ जी, अच्छा पिक्चर में देखा, तो प्लीज आप चले जाओ, तो अगर हम इनको देंगे आप मौका, मौका बिल्कुल बिल्कुल देगा, मैं जयंती भाई से रिक्वेस्ट करेगा टिकट के लिए। अच्छा तो वो सब हो जाएगा। तो भाई को आइए आपकी यहाँ पे, भाई को आइए ना, बुलाओ जरा, दोनों भाई को आइए। ऐसा एक भाई को ने बोला अरे मेरे लिए भी ताजमहल बनाने का, मैं बोला देरी तो तू कर रही है। तो मैं अपना भाई को जो तुकाराम का जो भाई को है, तुकाराम का भाई को बुलाता है सुनंदा मराठे। ओ सुनंदा, के लिए जोरदार तालियां। ओ हो सुनंदा, क्या बात सुनंदा, आप कौन से गांव की हो? मैं भी बुद्रुक बिबापुर की। अच्छा, सेम हो। अरे बाप रे। अच्छा, तो ये जो आपको मालूम था कि इनके पूर्वज की ये जमीन थी, ये जहाँ ताजमहल बना था, मालूम था आपको? नहीं, मेरे को तो लगन के बाद मालूम पड़ा। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन था, कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राउड। प्राउड, प्राउड, बोलती। प्राउड महसूस किया तुमने? ऐसा क्या ज्यादा वो पैसा दिखता है ना, जमीन एकदम ताजमहल वाला जमीन है। अच्छा, तो ऐसे ज्यादा पैसा दिखेगा तो प्राउड ही लगेगा। इसको बोलो किधर अपना इंटीरियर का, किधर का मराठवाड़ा में किधर अंदर का जमीन देगा, तो बोलेगा नहीं लेगा। अच्छा, उधर की चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ज्यादा मिलेगा ना उधर। अच्छा, एक बात बताओ सुनंदा, कि वहां पर ताजमहल की जब हट जाएगा वहां पे, तो क्या क्या वहां पे पैदा होने वाला है? मैं अपना एक खूबसूरत सा झोपड़ा बनाएगी बाजू में। देखा, देखा, ऐसा होता है, ताजमहल हटा के झोपड़ा बनाएगा। ओके, और वहां पे खेती किसानी होगी? ऐसा जरूर होगी। अच्छा, वो क्या है, अभी आप देखेगा तभी आपको पता चलेगा उधर क्या पहला कौन सा खेती होता था और किधर हुआ हमारा खेती का सामान किधर सप्लाई होता था। हाँ। वो सब आपको तुकाराम। अच्छा, तो जैसे कि देखा जाए तो भाई तुकाराम पूरी तरह से तैयार है ताजमहल को हटाने के लिए, बंद करने के लिए, तो आप लोग प्लीज जितना जल्दी हो सके ताजमहल देख लीजिए, क्योंकि आपने कोर्ट से अनुमति ले ली बंद करवाने की। बिल्कुल, जब तक ये इसका फैसला नहीं होता है। हाँ। केस का, तब तक मैंने विनंती किया है ताजमहल बंद रखने। पर इतने सालों बाद कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इसको बंद करना चाहिए, मेरी जमीन है, वो कैसे याद आया? क्या है, अभी किसान के लिए जमीन उसका माँ होता है। ओके ओके, और किधर उसको जमीन में, ओके बोला मैं भी, मैं देखा तुम्हारे साथ मैं भी इंग्लिश बोलने लगा। तो किसान के लिए जमीन अभी माँ होता है, उधर किधर उसको खेती करने को नहीं मिलेगा, तो वो फिर ढूंढेगा मैं किधर कर सकता है। ऐसा मैं ढूंढ रहा था तो मेरा एक पिटारा में मेरे को मिल गया पेपर। ओके, तो उसके पेपर आपके पास है? हाँ, मेरे को पता चला कि वो ताजमहल का जो पूरा जमीन है ना वो अपना है। तो मैं बोला फिर सही है ना, अभी अपना जमीन है तो उधर जाके खेती करने का अपन, क्योंकि अपने को तो उतना ही आता है। हाँ। है ना, किसान को खाली खेती बाड़ी करना आता है। बरोबर, तो उधर जाके करने का, जमीन मिल गया बस। क्या बात है। हाँ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। वो अभी क्या जमीन पार्लियामेंट का होता था ना। हाँ। तो मैं उधर भी यही करता था। अरे लगता है अगली फिल्म में तुम पार्लियामेंट जाओगे। पार्लियामेंट सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन तो वही है। बहुत बढ़िया, मैं इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहां निमंत्रण करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अजीत सिन्हा साहब, माइक्रोफोन दिया जाए। अजीत साहब बधाई, कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि हमारे यहां हिंदुस्तान में 800 फिल्में बनती हैं, उनमें से सिर्फ 150 या 200 फिल्में पर्दे पर लग पाती हैं, और बड़े गर्व और बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने सारे लोग यहां पर आपके साथ मौजूद, एक बार जोरदार ताली चाहिए। सर जी, कहां से कॉन्सेप्ट आया, क्या विचार आया कि आपने सोचा कि ये कहानी पर काम करना चाहिए? सर जी, ये कॉन्सेप्ट एम सलीम जी ने मेरे पास लेके आए थे, जो राइटर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाए यहाँ सामने।
हाय सलीम भाई. और उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी और बहुत ही यूनिक लगा मुझे. ओके. और मैं ये कहानी लेकर के हमारे प्रोड्यूसर श्री पवन जी और अभिनव वर्मा जी के पास गया. उन्होंने मुझ पर बिलीव किया और उसके बाद श्रेयस जी और मंजरी जी यानी तुकाराम और सुनंदा के पास गया मैं और उनसे कहा कि भाई ये कहानी है. ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए और बहुत खुश हुए और मुझे सपोर्ट किया. पर श्रेयस त्रिपदी क्यों? क्योंकि ये कहानी महाराष्ट्र से संबंधित था इसलिए श्रेयस के पास जाना हमें उचित लगा. और सबसे कम बजट में वही आने वाला था. नहीं नहीं, बजट की बात ही नहीं थी क्योंकि बजट तो बाद की बात थी. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए था और श्रेयस जी चूंकि एक्टर तो है ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया. आज रुलाएंगे क्या? आज तो मैं चाहता हूं कि मैं पवन जी को भी स्टेज पे बुलाऊं. प्लीज कम ऑन द स्टेज पवन जी. प्लीज पवन जी एक बार जोरदार ताली में चाहिए. पवन जी अभिनव वर्मा जी आइए स्टेज पे. पवन जी आइए. ये दोनों हमारे प्रोड्यूसर हैं. क्या बात. और हमारे एक प्रोड्यूसर और हैं जो धवलगाड़ा जी, वो भी आ पाए. धवल ओह ओह क्या बात है धवल. इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हेमंत पांडे जी स्टेज पे आए. ये इस फिल्म में मुख्य किरदार में है. पांडे जी आ गए. और अब मैं जयंती भाई जी को बुलाऊंगा. प्लीज कम ऑन स्टेज. जयंतीलाल गढ़ा जी को प्लीज कम ऑन स्टेज. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जैसे कि आपको मालूम ही है जयंती भाई कि बहुत सारी फिल्में आती हैं और आपके पास तो अभी इतनी बड़ी बड़ी लाइनअप है. जयंती भाई माइक्रोफोन. जयंती भाई इतनी सारी फिल्में अभी तो कमल 2 आने वाली है. हाँ. कहानी 2 आने वाली है ना. उसके बीच में इतनी छोटी, इतनी प्यारी, इतनी कमाल की फिल्म, ये आप हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या रीजन था इस फिल्म में, क्या नजर आया आपको? ये फिल्म हमको दिखाई अजीत जी ने और पवन जी को साथ लाए, फिर अच्छी दोस्ती बनी. तो फिल्म बहुत अच्छी है तो हमने बोला कि इसको लानी चाहिए. लेकिन मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था बिजनेस से तो इसीलिए डिले हुई. फिर उनके बाद सेंसर ने इनको लगभग 6-7 महीने प्रॉब्लम करी. सेंसर में बहुत प्रॉब्लम हुई और सेंसर ने जो लाइन लिखी जिससे हम लोग सब लोग पढ़ के भी दुखी हैं कि ये फिल्म दिखाने से हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद हो जाएंगे. लगता है प्रोमो देखकर तो लगता नहीं है. हाँ, लेकिन उन्होंने ये लिखा है और वो लेटर भी है. तो हमने बोला सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये फिल्म से स्टार्ट करूँ, इसलिए बात आज सबसे पहले रिलीज हो रही है. क्या बात है. पांडे जी बहुत सारी फिल्में की, ऑफिस ऑफिस से लेकर हिंदुस्तान के जितने भी कॉमेडी शो बने होंगे सर्वोपरि आपका नाम है पांडे जी. इस फिल्म में क्या खास बात नजर आई, क्या कहानी ऐसी है जो आपको दिल को छू गई और लगता है कि यार लोगों को बहुत पसंद आएगी? पहली बात तो बड़ी इमोशनल सी कहूँगा कि अजीत भाई ने मुझे ये विलन का रोल दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि इतने सालों से कॉमेडी कर रहा था और एक्टिंग लगभग एक बार छोड़ भी चुका था, संन्यास भी ले लिया था, बहुत तंग आ गया था कि उसी रोल के लिए बुलाते, अरे इसके लिए तो उनको बुला लो टाइप ना. लेकिन अजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने विश्वास किया. और पहले ही दिन हमने 3 पेज का सीन किया था श्रेयस और हमने, 1 टेक, लाइट जा रही थी. उस दिन के बाद से सब लोगों का, पूरी टीम का भरोसा हो गया कि हाँ ये विलन वाला रोल भी कर सकता है. और आज क्यों ऐसा लगता था कि आप विलन नहीं कर सकते हो? तो सही नहीं, हम तो हैं लेकिन देते नहीं थे ऐसा रोल. तो आज मेरी 12-13 फिल्में बन के तैयार हैं जिसमें से 5 भी रिलीज हो गई, तो 3-4 में विलन हूँ आने वाली फिल्म. अगली फिल्म में जयंती लाल गढ़ा जी को दिखाया जाए, उन्हीं वो कोई करेंगे आप सब. आज वो मिल चुके हैं और उनकी वाकई उनका टेस्ट जिस तरह का मदद करी या एक सपोर्ट दिया तो बल बढ़ता है. क्योंकि हम तो कलाकार हैं, मजदूर हैं, हो सकता कल को आपकी फिल्म में भी दिखाई देंगे, कोई पान वाला भी पिक्चर बनाई देगा तो उसमें भी दिखाई देंगे. लेकिन हमें अच्छा लगा कि हमारे साथ काबिल लोग जुड़े, बेहतरीन अभिनेता के रूप में श्रेयस जुड़े, मंजरी, अजीत भाई, सलीम जी. इतना अच्छा लेखन लिखते तो 25 साल से, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से 10-10, 12-12 फिल्में अच्छी लिख रहे हैं. तो ये अच्छे लोगों से मिलने का समय आ गया है. और इन तमाम अच्छों में जयंती भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बेहतरीन फिल्म को सपोर्ट किया. क्योंकि पिक्चर को जितना मैंने देखा है मेरे दिल की अच्छी पिक्चरों में से एक है. थैंक यू पवन भाई. ये फिल्म करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा ओवरऑल अनुभव, कैसा रहा? इसको बनाने में बहुत अच्छा लगा हमारे को, थोड़ी तकलीफें भी आए काफ़ी इसके अंदर,
हालांकि मैं इससे पहले भी एक रीजनल मूवी भोजपुरी बना चुका हूँ, तो इसलिए इसको बनाने में मुझे जो पहले पिक्चर होती है उसका वो नहीं हुआ तकलीफ कि कैसे बनती है क्या है, काफ़ी कुछ नॉलेज थी मेरे को इसके बारे में। बट कंटेंट सुनने के बाद मैंने दूसरी पिक्चर मैं बनाने जा रहा था फिजी में, उसको छोड़ के इमिडिएटली इसको शुरू किया और कंप्लीट की। तो इस बार तो श्रेयस ले रहे हैं ताज, अगली बार क्या दिलवाने वाले इनको? आईफल टावर। आईफल टावर। अजीत भाई, ऐसी फिल्में छोटी फिल्म होती हैं, बहुत इंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन एक मैसेज देके जाती हैं, ये क्या मैसेज देने वाली है एंड में? सर इसका मैसेज तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो आप फिल्म देखने के बाद बिल्कुल आप उसको करेंगे, लेकिन ये एक एक 100% मैसेज वाली पिक्चर है किसानों के लिए। जो हमारे श्रेयस जी शेतकरी बने हैं, जो किसानों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यह सर क्या बात है। तो देखिए श्रेयस, अगर माइक्रोफोन मैं पूछूं आपसे, देखिए बहुत सारे ऐसी फिल्में आती हैं और आपने जितनी भी फिल्में की हैं लगभग कंटेंट ऐसा कमाल का होता है, कोई सी भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आप पहली इकबाल से देख लीजिए, सब फिल्म में कमाल कंटेंट होता है। टीवी इंडस्ट्री से आप आए हैं, थिएटर करते हैं आप, इतने सारे फॉर्मेट में काम करने के बाद आज ये वाह ताज कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जो इसमें बड़ा यूनिक था, आपको ऐसा लगे कि यार वाकई ये ऐसी फिल्म और बननी चाहिए? आई गेस सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही काफ़ी यूनिक था। सो यू नो अजीत जी और सलीम भाई जब मिलने आए थे तो मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सेट नहीं आने दो प्लीज़ आधा घंटा मिलते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने कहा एक वन लाइन सुनाइए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना नरेशन करें, अच्छा नरेशन ठीक है आई पहले वन लाइन सुन लेते उसके बाद में नरेशन, तो मैंने कहा वैसे ही एक 15 मिनट मिल लेते। एंड 15 मिनट में उन्होंने कहा कि सर छोटी सी कहानी है, एक किसान है जो महाराष्ट्र से उठ के आगरा चला जाता है, ताजमहल के बाहर खड़ा होता है और कहता है ये ताजमहल जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीन हमारी है। और मैंने कहा अच्छा और आगे? वेरी गुड। उन्होंने कहा आगे सर नरेशन होगा। जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर मी आल्सो, कि अगर ऐसा कुछ है तो सामने वाले को भी फट से यू नो क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एंड दैट्स व्हाट रियली अपील्ड टू मी इन एज फार एज वाताज इज कंसर्न। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक वाताज, जो वाकई में एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्में जो होती है विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ऐसी फिल्में। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच वन present here today for making me a part of this beautiful, beautiful film. क्या बात है, क्या बोलना चाहेंगी कि आपका मंजरी, बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं और श्रेयस को आपने किन किन फिल्मों में देखा है आपने ये बताइए। मैंने श्रेयस को इकबाल में देखा है, वेलकम टू सज्जनपुर में देखा है, गोलमाल में देखा है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है। सो जब मुझे ये ऑफर आया आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज एक तो श्रेयस lot of respect for him as an actor, not because he's standing here. So I was very happy about this and I loved the concept, like Shreya said, ki I was damn excited. And Ajit ji, I want to say, meri pehli picture se Ajit ji has been in touch with me and he had told me in my first film ki main jab apni pehli picture banaunga na, I'm going to cast you. And he stood by that. And he always, like, when he was ever making a film, he was always, like, you know, approaching me first and asking me, like, ye hai role, will you want to do it and all. And I was so happy when I heard this concept. And finally, we got to work together. You know, Manjari has always played very urban characters. The first time ever that she's playing a very rural, kisan ki wife kind of a character. बट ग्लैमर नहीं जाएगा, तो आगे देखो नौवारी आपको दिख रही है, हाँ, है? जरा एक फट से एक टर्न मारना मंजरी, ए देखो तो बैकलेस, तो ग्लैम क्वेश्चन नहीं छोड़ा उसने, तो ब्लाउज क्या बैकलेस। तो मैंने जब पहली फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग हम लोग सब रेडी होके आए हुए, मंजरी हाय मंजरी वगैरह सारा हो गया, और जैसे इसने टर्न मारी मैंने कहा तेरी है बैकलेस ब्लाउज। But that was not my call. That was the creative call from the team. Yeah, yeah. वो right. सब एक्टर ऐसे ही बोलता है, don't worry, है ना? करने का खुद को है, बेचारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फंसाने का। Thank you guys, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें आप लोग। Thank you. Thank you. Thank you. Group photo, group photo. Thank you.
अरे सब रोल खत्म हो गया, हो गया. ओके थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. आइए ओके श्रेयस एंड मंजरी. Left, 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 left